इसकी तुलनात्मक विवेचना में करना चाहता हूँ कि तीनों में कौन सा बेहतर है और भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है। जैसा इन्होंने अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मैं बीआरसी में था सीनियर साइंटिस्ट और अभी कुछ कंसल्टेंसी का डायरेक्टर हूँ मैं, लेकिन मेरा ज़्यादा टाइम इसी में अभी डिवोट किया मैंने। जैसा अभी आपसे बात हुआ भगवद गीता में व्याख्या क्यों, क्योंकि लायंस क्लब में सब लोग कर्मशील है, दानवीर है, अपने कर्म से उपार्जित धन को जरूरतमंद लोगों में हम बांटते हैं, इसलिए लायंस क्लब के कर्मवीरों को श्रीमद भगवद गीता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं है लेकिन आप लोग तो लाइफ में गीता को इंप्लीमेंट ही कर रहे हैं, निष्काम कर्म किए जा रहे हैं, इसलिए लायंस क्लब के लिए भगवद गीता का लेक्चर है बहुत ही सूटेबल है। मैं थोड़ा महाभारत का, ये भगवद गीता तो महाभारत का पार्ट है, इसके आठवां जो पर्व है विश्व पर्व उसका पार्ट है, तो महाभारत के बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी जो महाभारत देखते हैं उसमें 1,00,000 श्लोक है, लेकिन जो कृष्णदेवराय व्यास जी ने जो महाभारत लिखा था उसका नाम जय था, उसमें सिर्फ 8,800 श्लोक थे। बाद में उनके शिष्य वैशंपायन ने जब जनमेजय को उसको सुनाया तो वो थोड़ा जैसे काव्य होता है ना बढ़ गया, थोड़ा उन्होंने कुछ ज्यादा बता दिया, उसमें 24,000 श्लोक हो गए और उसका नाम उन्होंने भारत रखा था। बाद में ये जो ऋषि वैशंपायन का जो भारत काव्य था उसको जब ऋषि उग्र शर्मा ने नैमिषारण्य में बाकी ऋषि मुनियों को बताया तो उन्होंने बहुत सारी कहानियां जोड़ दी, बहुत बहुत कहानियां जोड़ दी, तो सब श्लोकों की संख्या 1,00,000 तक पहुंच गई। तो हम देखते हैं कि जय जो काव्य था वो 8,800 श्लोक से चालू होकर के अभी 1,00,000 श्लोक का महाभारत बन गया जो आज हम पढ़ते हैं। महाभारत में 18 पर्व अध्याय है, पहला आदि पर्व है जहाँ से महाभारत की शुरू होती है, इसका जो छठा पर्व है भीष्म पर्व है वहां पे भगवत गीता का उल्लेख आता है। अभी संक्षेप में महाभारत कथा में ज्यादा बताना नहीं चाहता, टाइम कम है, 20 मिनट में मेरा एक्चुअली 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन मैंने छोटा करके 20 मिनट रहा है। एक्चुअली महाभारत की जो कथा है मूलतः हस्तिनापुर के राजा शांतनु के परिवार की कथा है, वो चंद्रवंशी महाराज थे और महाराज भरत के वंशज थे, जिसके नाम से हमारा देश का नाम भरत वंश पड़ा है, दुष्यंत के पुत्र भरत उनके वंशज थे, उनके परिवार की कथा है। तो जैसा आपको मालूम है धृतराष्ट्र और पांडव और विदुर होते हैं, धृतराष्ट्र जन्माते हैं, विदुर राजा बनते हैं, पांडु राजा बनते हैं और इनके धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और 1 पुत्री है, इनके 5 पांडव पुत्र हैं, उसमें युधिष्ठिर सबसे बड़े होते हैं। तो दुर्योधन को लगता है कि मैं तो राजा बन नहीं सकता, तो फिर वो उनको मारने की कोशिश करता है, तो ऐसे घटनाएं आगे चलती चली जाती है। बाद में द्रुत पीड़ा होती है, उसमें उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञात वर्ष का होता है, पांडव हार गए होते हैं उसमें। फिर जब वो अज्ञात वर्ष वापिस आते हैं तो दुर्योधन राज्य वापिस करने से मना कर देता है और वहां पे श्री कृष्ण भी जाते हैं तो बोलता है कि मैं सुई के नोक के बराबर की जमीन नहीं दूंगा। तो फिर युद्ध होना तय हो जाता है, वहां पे फिर महाभारत होता है और महाभारत को पंचम वेद भी मानते हैं और हर वेद का उपनिषद होता है तो गीता इसका उपनिषद है, इसलिए गीता का एक नाम गीतोपनिषद भी है। ये मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में एक्चुअली महाभारत हुआ था, उसकी मोक्षदा एकादशी को महाभारत का ज्ञान दिया गया था, उस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये कुरुक्षेत्र में हुआ था युद्ध, वहां पे अभी भी ज्योतिषर नामक स्थान है, वहां मंदिर है। महाभारत 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। महाभारत युद्ध में दुर्योधन के पक्ष से 11 अक्षौणीय सेना थी और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौणीय सेना, अक्षौणीय सेना में करीब 1.5 लाख सैनिक आते हैं, वो हाथी घोड़ा सब मिला रथी सब मिला करके 1.5 लाख होते हैं। तो ऐसे 11 अक्षौणीय थे और पांडवों की सेना छोटी थी, 18 दिन युद्ध चला था। 18 दिन युद्ध के बाद कौरवों में जो सारे 100 उनके जो कौरव थे वो सारे मारे गए, उनके एक सौतेले भाई था युयुत्सु सिर्फ वो बचा था और उनके 3 और वीर बचे थे और पांडव पक्ष में 5 पांडव बचे थे, श्री कृष्ण और सात्यकी, बाकी सारे मारे गए थे। श्रीमद् भगवद गीता निष्काम कर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के कारण विश्व का सर्वश्रेष्ठ लाइफ मैनुअल माना जाता है। एक्चुअली मास्लो जो नीड हायरार्की है उसमें जो टॉप में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये कर्मयोग उसी का ही एक रूप है। इसमें एक और मैं घटना बताना चाहता हूँ, हम लोगों में से बहुत कम लोगों ने गीता पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट होता है 1945 में, फर्स्ट टाइम
न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोड करते हैं, उनका जो हेड था रॉबर्ट ओपेनहाइमर, तो जब 1945 में जुलाई महीने में उसको एक्सप्लोड किया, तो उतना ऊंचा तक एनर्जी और लाइट जो विस्फोट का निकला उसको देख करके लोग करीब 20 किलोमीटर दूर से देख रहे थे उस एक्सप्लोजर को, न्यूक्लियर एक्सप्लोजर को। रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मुंह से जो सबसे पहले शब्द निकले गीता के विश्व रूप योग के गीता का श्लोक का उसने कोटेशन दिया। मेरा ये कहना है 1945 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट उसने गीता पढ़ी है, समझी है, और ऐसा कुछ मौका आता है तो गीता का कोटेशन दे रहा है और हमको गीता नहीं मालूम। चलिए आगे बढ़ते हैं, गीता में 18 अध्याय है। गीता में एक्चुअली मैं तभी ध्यान योग, ध्यान योग, कर्म योग के परसेंटेज कर रहा हूँ, लेकिन गीता में बहुत सारे सब्जेक्ट उन्होंने बोला। एक्चुअली गीता बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर किसी ने पढ़ा होगा, आपको मैंने पढ़ा होगा, तो समझने में बहुत कठिनाई होती है। 18 अध्याय में इतना जंबलिंग है, कभी ज्ञान योग का विषय आता है, फिर ध्यान योग का आता है, कर्मयोग का आता है, फिर बीच में प्रकृति के तीनों गुणों का सत रज तम का विवरण आ जाता है, फिर वो क्षेत्र क्षेत्र का विषय आ जाता है, ऐसे करके इतना जंबलिंग ऑफ सब्जेक्ट्स है। कभी ये सब्जेक्ट उसको छोड़ के फिर दूसरा क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्जुन जब जब जो प्रश्न पूछ रहा है श्री कृष्ण उसका वो जवाब दे रहे हैं। अब अर्जुन जैसे जैसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछता है वैसे वैसे उसके भी जवाब आ रहे हैं। इसके बड़ा ये क्रम के नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, इसलिए थोड़ा पढ़ने में असुविधा रहता है। अभी यह मेरे एग्जाम्पल ये है, ज्ञानों का विषय दूसरे में भी आता है, तीसरे में भी, पांचवें में भी, सातवें भी, नौवें में, अठारहवें में, उन सब में ज्ञानों का थोड़ा थोड़ा आता है। कर्मयोग का दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें भी, अठारहवें में भी आता है, एक सीक्वेंस में नहीं है, सब मिक्सअप है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है और समझने में दिक्कत होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट पे। तो अर्जुन विचार योग पहला अध्याय है और ये बहुत ही फेमस श्लोक है जिससे कि गीता का आरंभ होता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सम मामका पांडवा च एव किम अपूर्व संजय। इससे वो संजय से पूछता है कि भाई वो जो कुरुक्षेत्र में एक्चुअली वहां पे यज्ञ वगैरह हुए थे, इसलिए धर्म क्षेत्र भी माना जाता था, मतलब वहां पे मेरे बेटे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? क्योंकि संजय को वेद व्यास से वरदान मिला था, वो दूर से बैठ के पूरा देख सकते थे, वो रनिंग कमेंट्री कर रहे थे और धृतराष्ट्र में गए थे। तो संजय ने उत्तर दिया कि दुर्योधन ने जो है गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के अपना अपनी सेना के बारे में बताया और कौरवों की सेना के बारे में बताया, किसमें कौन से महारथी है उसके बारे में बताया, उसे द्रोणाचार्य को बताया कि आपका जो शिष्य धृष्टद्युम्न उसकी सेना खड़ी है, इस बड़ी सेना को देखिए, फिर उसके सब पांडवों के पक्ष में कौन कौन महारथी थे उनके बारे में वर्णन किया, कौरवों के पक्ष में कौन कौन से वीर है उनका वर्णन किया, ये सब वर्णन किया। तब उसको दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए भीष्म ने, मतलब काफी दुर्योधन बातें बोल चुका होता है, भीष्म ने युद्ध शुरू करना है तो उन्होंने शंख बजाया। उस समय का युद्ध जो था, युद्ध होने के दोनों पक्ष शंख बजाते थे कि हाँ भाई अभी युद्ध का घोषणा हो गया है। जब भीष्म ने सिंह बजाया, शंख बजाया, तो श्री कृष्ण ने भी बजाया, अर्जुन ने भी बजाया, भीम ने भी बजाया, सब ने, सब वीरों ने अपने अपने शंख वहां पे बजाए कि भैया की डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, अभी लड़ाई होनी है। आप यहाँ नोट कीजिए कि जब डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो रहा है तो अर्जुन भी शंख बजा रहा है, मतलब ही इज रेडी फॉर वॉर, अभी बस तीर चलना बाकी है, सब रेडी है, तो अर्जुन भी रेडी है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। अर्जुन अब श्री कृष्ण से बोलता है कि भाई तेरे रथ को थोड़ा दोनों एक इधर सेना की व्यू खड़ी है कौरव की, इधर पांडव की खड़ी है, दोनों के बीच में लेके आ जाओ, मैं थोड़ा देख लूं मेरे को किससे किससे लड़ना है, मेरे ऑपोनेंट कौन कौन से है। तो श्री कृष्ण बोलते ले भाई तू वो रथ को ले जाने, बोले देख लो भाई सामने कौन कौन है, कौरव पक्ष को देख लो। और यहाँ से गड़बड़ शुरू हो जाती है। अर्जुन ने अपने गुरु, मामा, चाचा, पुत्र, पौत्र, मित्र, सगे सभी संबंधियों को सब आपके देखा, देख के वो अब कंफ्यूज हो गया। अभी जिस अर्जुन ने कुछ देर पहले शंख बजा के युद्ध की घोषणा कर दी थी, अभी वो बोलता है कि इतने लोगों को उपस्थित देख के मेरे तो शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है,
वो बोलते हैं कि मैं तो युद्ध कर ही नहीं सकता, वो बहुत कुछ बातें बोलता है, फिर बोलता है कि मैं ऐसे युद्ध कर ही नहीं सकता इन लोगों के साथ, ही सारे मेरे स्वजन है, और फिर वो अपना धनुष बाण रख करके रथ में बैठ जाता है। ये पहला अध्याय समाप्त होता है। अभी श्री कृष्ण उसको बोलते हैं कि भाई ये विषम परिस्थिति है, युद्ध आरंभ होने वाला है, संकट ध्वनि सब हो गया है, दोनों पक्ष रेडी हो गए हैं, अभी ये क्या तुम अज्ञान जनित मोह से क्या बोल रहे हो, तो ये एक श्रेष्ठ जनों का कार्य नहीं होता है, उठो, इससे न तो कीर्ति मिलती है कुछ नहीं, अक्षय होता है, तुम उठो, तुम नपुंसकता का वध प्राप्त हो, उठो चलो युद्ध करो। वो तो उन्होंने बताया, उन्होंने सोचा कि ऐसे अभी तो इसने शंख बजाया था लड़ने के लिए, एक दो बार कुछ बातें बोलूंगा तो फिर से समझ जाएगा, लेकिन अर्जुन समझा नहीं, बोलता है नहीं ये विष्णु पितामह द्रोणाचार्य ये सब मेरे गुरुजन है पूज्य है, मैं इनको कैसे बाण मारूंगा, तो वो दोनों मेरे पूजा की होगी मैं इनसे कैसे बाण मारूंगा। फिर वो बोलता है कि ये राज्य तो छोड़ो, मेरे को देवताओं का राज्य भी मिल जाए, सब तो मिल जाए, फिर भी मैं अपने कुल को नाश करके वो राज्य मेरे को नहीं चाहिए, मैं लड़ूंगा नहीं। और फिर वो बोलता है कि मैं मेरे अंदर बड़ी कायरता आ रही है, मोह आ रहा है, मोह चित हो गया हूं, इसलिए हे श्री कृष्ण मैं आपका शरणागत हूँ। श्री कृष्ण ये अर्जुन वगैरह इसके बुआ के लड़के थे, और श्री कृष्ण बड़े थे, और उनकी बहन से की शादी भी हुई थी, तो अर्जुन जी के जीजा भी थे, तो श्री कृष्ण के शरणागत होकर बोलते हैं मैं आपकी शिष्य की तरह हूँ, कृपा करके मुझको क्या कल्याण है ये बताइए। और करके अर्जुन ने बोल दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ से फिर गीता में टर्न आ जाता है, और तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन को समझाना चालू किया। वो हंसे इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर ये ऑलरेडी ये मोहग्रस्त है अर्जुन, अगर मैं भी गंभीर हो जाऊं गुस्सा हो जाऊं तो ये तो और परेशान हो जाए, इसलिए उन्होंने हंसी करके सिचुएशन को लाइट किया, और फिर हंसते हंसते उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। लेकिन उसके पहले हमको समझ लेना है कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने मोक्ष प्राप्ति के लिए तीन मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग, आगे युग पर तीनों का वर्णन है। ये जैसे ये श्लोक में बताया गया है कि ध्याने आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम् आत्मना अन्य संख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे, मतलब कुछ लोग ध्यान से, कुछ लोग ज्ञान से, और कुछ लोग कर्म योग से ईश्वर को प्राप्त करते, तो तीन मार्ग उन्होंने बताए। अब ज्ञान अवस्था संयोग का आरंभ करते हैं। एक्चुअली इसको जो दूसरा जो अध्याय है उसका नाम सांख्य योग क्यों है, क्योंकि हमारे छह दर्शन ग्रंथ है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, ब्रह्मसूत्र, ये छह हमारे दर्शन ग्रंथ है। उसमें से जो सांख्य दर्शन है कपिल मुनि, तो श्री कृष्ण ने जितना भी बात किया था वो सांख्य दर्शन पर आधारित था, इसलिए उसका जो ज्ञान है उसको ज्ञान योग अथवा सांख्य योग भी कहते हैं। अभी सांख्य योग का थोड़ा सा ब्रीफ में देना चाहता हूँ, क्योंकि सांख्य योग में जो है ये सृष्टि की रचना कैसी हुई और हमको मोक्ष कैसे मिल सकता है उसका वर्णन है। और मैं तो कुछ साइंस का विद्यार्थी हूँ, अगर आप इनसे भी बात हो रही थी कि सांख्य योग अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे आपको लगेगा आप फिजिक्स की किताब पढ़ रहे हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट को स्थापित किया जाता है, उसके बीच में दूसरा कॉन्सेप्ट, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट, चेन ऑफ कॉन्सेप्ट आता है। इतना सिस्टमेटिक ग्रंथ मैंने देखा नहीं है, आई एम सिंपली सरप्राइज हो गया कि साइंस मतलब एकदम लगता है जब फिजिक्स की किताब पढ़ रहा हूँ। तो उसमें सांख्य योग क्या बोलता है कि प्रकृति के तीन मुख्य गुण होते हैं सत्व, रज, तम, ये तीनों जब साम्यावस्था में रहती तो प्रकृति सुसुप्त अवस्था में, मतलब कोई इसमें विकास नहीं है, लेकिन इन तीनों में जब क्षोभ या वैषम उत्पन्न होता है जो कि ईश्वर इसकी प्रेरणा देते हैं तो प्रकृति का निर्माण शुरू होता है। अभी जो हमारी प्रकृति चालू है उसका कारण ये है कि सत्व, रज, तम तीनों में वैषम उत्पन्न हो गया है, तभी हमारी प्रकृति निर्माण कर रही है। ये सत्व, रज, तमस इस साम्यावस्था में तो प्रकृति सुसुप्त अवस्था में, मतलब कोई निर्माण नहीं है इसमें वैषम, इसके ईश्वरीय प्रेरणा से जब वैषम आ जाए तो सृष्टि निर्माण चालू हो जाता है। जब वैषम, जब तीनों सत्व, रज, तीनों में वैषम आ गए तो उसका पहला परिणाम महत्व होता है। अगर आप लोगों ने बिग बैंग का थ्योरी आपको मालूम होगा तो बिग बैंग में भी जब पूरा जो एटम से भी छोटे जगह में जो एनर्जी जब एक्सप्लोर करता है तो एकदम से विशाल आकार में लेता है। तो ये जो प्रकृति के शुरू में महत्व होता है ये बिग बैंग से थोड़ा वो मिलता जुलता है। तो प्रकृति का पहला परिणाम महत्व होता है, उसका दूसरा परिणाम अहंकार होता है। अहंकार से पंच तन्मात्राएं बनती है, सब अहंकार से जितने हमारे इंद्रियां हैं वो बनती है।
और जो पंच तन्मात्राएं हैं उनसे ही बाद में स्थूलभूत बनते हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश की पांच स्थूलभूत इस हमारे शरीर बनता है। और तमस अहंकार से जो हमारे इंद्रिय बने थे और उनसे और बुद्धि अहंकार और मन ये तीनों मिलकर 13 करण होते हैं और पांच तन्मात्राएं ये से मिलकर के हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार हमारा ये स्थूल शरीर है उसके अंदर हमारा एक सूक्ष्म शरीर रहता है। जब हम मोक्ष अवस्था में हमारा जब ये सूक्ष्म शरीर की नष्ट हो जाता है तो जैसे गुदगुदा पटके से उसकी हवा वायुमंडल में मिल जाती है वैसे ही हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं। स्थूल देह प्लस सूक्ष्म अवस्था इज इक्वल टू प्राणी। स्थूल देह का नष्ट होना मृत्यु है लेकिन सूक्ष्म देह निकल जाता है और सूक्ष्म देह फिर से नया स्थूल देह प्राप्त करता है तो पुनर्जन्म हो जाता है और जब सूक्ष्म देह भी नष्ट हो जाता है तो फिर मोक्ष हो जाता है। सांख्य दर्शन में मोक्ष के लिए दो कंडीशन बताया है। पहला तो है आपका कर्म फल शून्य होना चाहिए, मतलब आपने अगर बड़े सारे उत्पाटन कर्म करके रखे तो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। एकमात्र हिंदू धर्म ऐसा है जो कि बोलता है कि जो कर्म है उसको आपको भोगे बिना आपको छुटकारा नहीं, चाहे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगना है। तो अगर मोक्ष चाहिए, मोक्ष का मतलब क्या आपका पुनर्जन्म ना हो, उसके लिए पहला कंडीशन के कर्म फल का संचय नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, ईश्वरीय शक्ति के दर्शन होना चाहिए जिसको आत्म साक्षात्कार भी बोलते हैं। तो कर्म फल संचय न हो और आपकी ईश्वरीय शक्ति के दर्शन हो जाए तो आपका मोक्ष तय है। अब गीता ज्ञान में फिर शुरू होता है, श्री कृष्ण जी उसको हंसते हुए बताते हैं कि भाई ये आत्मा तो अबद्ध है, इसको तो बंद नहीं किया जा सकता। एक मिनट इसको चेक कर देता हूं मैं। शिक्षक बोलते हैं कि आत्मा तो अबद्ध है, आत्मा तो एक जन्म से दूसरे जन्म में घूमती रहती है, इसके लिए शोक क्यों कर रहा है। फिर वो बोलते हैं कि आत्मा तो और फिर अभी गीता में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई जो हमको जानना बहुत जरूरी है। गीता में बताया गया है कि हम हमारे अंदर जो जीवात्मा है वो ईश्वर का ही सनातन अंश है। वो बताते हैं कि मामा ये अंश जीव रहे जीव भूत सनातना, मेरे ही अंश मतलब ईश्वर के अंश से ही सारे जीवात्मा बने हैं। तो हम जो सब लोग हैं वो ईश्वरीय अंश रूप में जीवात्मा है और यही अंश रूप जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आता जाता रहता है और अपने कर्म के अनुसार से पुनर्जन्म होता है। यदि कोई भी कर्म फल न बचे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। अच्छा ज्ञान अभी हम जो बात करें ये सब ज्ञान योगों का वर्णन चल रहा है। ध्यान योग की पराकाष्ठा कब होती है, जब आदमी को किसी जो एक पुजारी व्यक्ति है और एक गाय है हाथी है कुत्ते हैं और एक चांडाल जो कि चीरफाड़ पशुओं का चीरफाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को एक दृष्टि से जो देखता है वही सही मायने में ज्ञान योगी है। इसका मतलब क्या है, ज्ञान योग की पराकाष्ठा में हमको हर प्राणी में ईश्वर दर्शन होने लगते हैं, मतलब हमारा आत्म साक्षात्कार हो गया। अगर हमने कर्म फल संचय नहीं किया और प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। ये ज्ञान योग का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी मैं थोड़ा सा जल्दी से गौण व्यवस्था का मैंने बता देता हूँ क्योंकि इसके बाद इतना कंफ्यूजन है। गीता में क्लियरली बताया गया है कि हमारे जो भी कर्म है वो हमारी सत रजत तम तीनों प्रकृति के अनुसार होता है। जो सात्विक गुण वाला होता है उसके कर्म अलग होते हैं, राजसिक गुण के अलग होते हैं, तामसिक के अलग होते हैं। तो हमारा जो भी कर्म होता है वो हमारे ये तीनों गुणों के प्रभाव से होता है, हमारे स्वभाव से होता है। सात्विक गुण का क्या प्रभाव रहता है, ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा, आनंद एवं प्रसन्नता के लिए कामना और सभी के लिए शुभ का अर्थ, ये सात्विक गुण का प्रभाव है। राजसिक क्या है, सांसारिक मान मर्यादा एवं भोग प्रति कामना, जो कामना मूलक कर्म होता है सकाम कर्म वो राजसिक गुण के प्रभाव से होता है। और तामसिक गुण का प्रभाव है आलस एवं कर्महीनता और निकृष्टता के प्रति रुचि, जितने भी घटिया काम करने का मन हो वो तामसिक गुण है। तो हम जो भी कर्म करते हैं इसके आधार पर करते हैं, हमारे जन्म का इससे कोई संबंध नहीं रहता।
इसलिए क्लियरली उन्होंने लिखा है गीता में ये चौथे अध्याय में है कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम पूर्णतः विभागश्च प्रत्येक मनुष्य के गुण के हिसाब से जो कर्म होते हैं, मतलब उसके स्वभाव के हिसाब से जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से वो किस वर्ण में जाएगा वो डिसाइड होता है जन्म से, बिल्कुल नहीं। और फिर बाद में 18वें अध्याय में उन्होंने फिर रिपीट किया कि हे अर्जुन, ये जो ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये जो चारों वर्ण है वो ये जो उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा, अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, संजय अभी जो रवि कमेंट्री सुना रहा है, संजय जो रथ चलाते हैं ना, सूत बोलते थे उनको, रथ चालक के ग्रुप का बेटा था, मतलब आज के हिसाब से आई डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, आज के हिसाब से एससी वर्ग का रहा होगा, ठीक है। लेकिन वो वेदव्यास के पास जाके बोलते हैं उनको शिक्षा प्राप्त करनी है, तो वेदव्यास उसको पढ़ाते हैं और पढ़ के वो ब्राह्मण बन जाता है, बन के वो धृतराष्ट्र का सहायक बनता है, मंत्री बनता है। मतलब एक सूत पुत्र सो कॉल्ड एससी का बेटा पढ़ लिख करके सो कॉल्ड ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का कर्म कर सकता था। मतलब वहां पे कर्म विभाजन था, जन्म आधारित जाति व्यवस्था थी ही नहीं वैदिक युग में। हमको कबीरसी जो वेदों का प्रचार इसीलिए करते कि हम लोग हमने खुद पढ़ा है, वेदों में भी नहीं है। तो ये तो जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं तो ये जो गलत है कॉन्सेप्ट ये दूर नहीं होगा। एनीवे गीता में भी बताया गया है कि ये स्वभाव आधारित कर्म है, जन्म आधारित बिल्कुल नहीं। अभी कर्मयोग पे आते हैं, अभी ज्ञान योग हो गया, कर्मयोग में अब वो चिकित्सक बोलते हैं अर्जुन अभी तक मैंने तेरे के सांख्य दर्शन की बातें की, अब तू कर्मयोग के बारे में सुन। कर्मयोग से क्या होता है, दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि होती है, क्योंकि कर्मयोग हमेशा कर्म करता है और कर्म करेगा, दो चार गलतियां करेगा, जब उसी चीज को तीन बार गलती करके सीख जाए तो चौथी बार एकदम दृढ़ निश्चय से करेगा, है ना। तो कर्मयोग करने वाला कर्म करता चला जाता है, उसी से सीखता चला जाता है और उसी से उसके दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि प्राप्त होती है। कर्मयोग से चूंकि वो आत्मबंधन करता है, कर्म उसको करना है तो उसका ज्ञान बढ़ता है और विशिष्ट ज्ञान से भरपूर और राग द्वेष चूंकि वो ज्ञानी हो गया है उसके अंदर से राग द्वेष निकल जाता है, तो वही व्यक्ति ही कर्मयोगी हो सकता है। और चूंकि वो इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ज्ञान कर्मयोग की पराकाष्ठा में ज्ञान के आलोक से फिर से उसको प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन होते हैं, मतलब उसका आत्म साक्षात्कार हो गया। और अगर वो जिसका कुछ कर्म फल इकट्ठा नहीं किए प्राणी मात्र में उसके ईश्वर दर्शन हो गए, उसका मोक्ष हो सकता है। ये हो गया आंतरिक शुद्धता के लिए करता है, जितना वो कर्म करता है उसका कर्म शुद्ध होता चला जाता है। अच्छा अभी प्रश्न उठता है कि मैं कर्म करूंगा उसका फल तो लेना ही नहीं। अभी सपोज मैं कुछ रोटियां बनाऊंगा, अभी रोटी मेरे को तो खानी नहीं, मैं रोटी बना के दूसरों को खिलाने वाला हूँ, तो जैसे तैसे कुछ भी रोटी बना के खिलाते उसमें कंकड़ पत्थर जो भी जाते हैं, दाल बनी उसमें कंकड़ पत्थर जाते हैं, नमक कुछ भी पड़ा होगा, अरे मेरे को खाना है ही नहीं, खाना तो दूसरों को होना है, तो कुछ भी बना के ऐसे करके कर दो, ऐसा नहीं है। गीता में क्लियर कट खुला है कि कर्म योगी का कर्म के प्रति जो आग्रह है वो आसक्त मनुष्य की तरह होना चाहिए, जो आसक्त कामना वाला है उसको बढ़िया दाल बना के खानी है और टेस्टी होना चाहिए, उसकी जो आसक्ति रहती है निष्काम कर्मयोग की कर्म के प्रति आग्रह उतनी ही होनी है। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को गीता में। और एक और है, ईश्वर ने न तो कर्म बनाए न तो कर्म लोग होते हैं, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया उनको करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं, सारे कर्म के डिसीजन हमारे होते हैं और ईश्वर किसी के शुभ अशुभ कर्म को लेते नहीं। हम बोलते हैं कि भगवान के हमारे ये चढ़ा दिया मंदिर, हमने ये कर दिया गौशाला, ये दान कर दिया, कुछ नहीं, तुम जो करो अपने लिए कर रहे हो। ईश्वर न तो किसी का कर्म स्वीकार करता है, शुभ कर्म स्वीकार करता है, न कर्म फल को ग्रहण करता है। अभी ध्यान योग में आते हैं, ध्यान योग में उन्होंने कैसे बैठ के पूजा ध्यान विधि का आसन कैसा होना चाहिए उसे बताया है कि ध्यान जो विपासना बहुत लोगों ने विपासना की होगी और नाक से यहाँ पे ध्यान करना पड़ता है, तो वो उसमें गीता में दिया हुआ है कि सीधा बैठते थे नाक के आगे देखते हुए ध्यान केंद्रित करें जो विपासना को देती है। और दूसरी पद्धति भी बताई उन्होंने कि दोनों भावों के बीच में ध्यान केंद्रित करके ध्यान करो और एकांत में रह के ध्यान कर, अभी सब चित्त को स्थिर करना है तो एकांत में जाना ही पड़ेगा। और ध्यान योग के पराकाष्ठा में समाधि के द्वारा अपने अंदर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं,
बाकी ज्ञानियों कर्मियों में हम बाकी प्राणियों में ईश्वर के दर्शन कर देते हैं, लेकिन ध्यान योगी जो योगी लोग होते हैं ध्यान योगी अपने अंदर समाधि अवस्था में ईश्वर के दर्शन करते हैं, तो वो भी अब उन्होंने अगर कर्म फल इकट्ठा नहीं किया है समाधि अगर होगी तो उनका भी निर्वाण मोक्ष हो जाएगा। और वो लोग बोलते कि योग करने के लिए ये करो वो तपस्या करो, वो कुछ नहीं, गीता में बोला गया है यथा योग भोजन करो विश्राम करो यथा सो, बराबर अपना जो हेल्थ परमिट करता है उसके अंदर जो प्रयास करता है उसका ही योग सिद्ध होता है, बहुत ज्यादा कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। अभी जल्दी से तुलना में आ जाता है, अभी तीनों का आपने वो दिया विवरण, गीता में क्लियरली बताया गया है कि श्रेय ही ज्ञान अभ्यास ज्ञान ध्यान विशेषते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागा शांति अदंतर, मतलब बिना कुछ जाने मुझे कुछ भी किए चले जा रहे थे, हम लोग पूजा करते सत्यनारायण कथा आम सत्यनारायण पंडित जी सत्यनारायण कथा करते हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं, ये टाल मोटर वाहन जो अभ्यास होता है उससे अच्छा है कि आप पढ़ो ज्ञान ज्ञान योग का पालन करो, ज्ञान योग से ध्यान योग अगर ज्ञान योग कर दिया तो उससे अच्छा ध्यान योग है, लेकिन ध्यान योग और ज्ञान योग दोनों से श्रेष्ठ है कर्म योग, कर्मयोगी मन के कर्म फल का त्याग करो वो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि उससे शांति मिलती है, किससे बात हुई थी इससे बात हुई थी कि बड़ी शांति मिलती है, तो कर्मयोगी होगा तो उसको शांति मिलेगी कर्म करके निष्काम कर्म करके, वो स्पष्ट बोल रहे कर्मयोगी सर्वश्रेष्ठ होता है, तपस्वी तपस्वी अधिक योगी गादी मत अधिक कर्मी बच्चे अधिक योगी अस्मात योगी भवर जो क्लियर कर बोल रहे हैं कि कर्मयोगी सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए हे अर्जुन तू कर्मयोगी बन। अब हम चलते हैं कि तीनों का फिर से कंपैरिजन करते हैं कि ध्यान योग जो है सबसे कठिन क्यों होता है, क्योंकि एक एकांत में बैठ के चित्त स्थिर करना वो बहुत कठिन होता है, और दूसरी चीज है ऐसा व्यक्ति समाज के किसी काम में नहीं आता है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग को श्रेष्ठ नहीं बताया है। ज्ञान योग का मार्ग भी कठिन है, क्योंकि उसमें हर समय कोशिश करनी पड़ती है हमसे कुछ ऐसा कर्म नहीं हो जाए जिसका फल उसको भोगना पड़े, ठीक है, और इंद्रिय संयम का अभ्यास करना पड़ता है, इसलिए ज्ञान योग का मार्ग भी कठिन है, इसलिए भगवान ने ज्ञान योग भी हमारे लिए नहीं बताया। कर्म योग का मार्ग तुलनात्मक रूप से सरल है, पूरा समाज अगर ज्ञान योगी अभी सारे लोग ज्ञान योगी ध्यान योगी बन जाएंगे, सब साधु सन्यासी बन जाएंगे, समाज चले गए कैसे, कल को शत्रु देश हमारा आक्रमण कर देगा तो लड़ने वाला ही कोई नहीं रहेगा भाई, तो फिर ध्यान योगी नई चीजें कर्म योगी चीजें समाज के ताना बाना नष्ट हो जाएगा अगर लोग सारे ध्यान योगी बन गए, इसके लिए कर्म योगी सबसे सरल है और सबसे आसान है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान करता तपस्या के मामले से ज्ञान को बेहतर बताया और इन दोनों की तुलना में कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया, धन्यवाद, थैंक यू जल्दी जल्दी जो बताया बहुत दुख सुख दिया होगा उसके लिए क्षमा। गीता को इन्होंने बड़े संक्षेप में बताने का प्रयास किया, और जो लोग बाद में आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, तुषार जी भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वहां से रिटायरमेंट